मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम न्यूमेरिकल एनालिसिस में चैप्टर सेकंड स्टार्ट करेंगे, जो है इंटरपोलेशन फॉर इक्वल इंटरवल्स, यानी कि समान अंतराल के लिए अंतर्वेशन। अब अंतर्वेशन क्या होता है? अंतर्वेशन के लिए अगर हमको x की कुछ वैल्यूज़ दी हुई हैं, जैसे कि x के हमको जो वैल्यू दी हुई हैं, जैसे कि मान लीजिए x हमको दिया हुआ है a प्लस एच, है ना, इस तरह से हमको a प्लस टू एच अप टू a प्लस एन एच, अगर हमको इस तरह से x की वैल्यू दी हुई है और उसके कॉरस्पॉन्डिंग्स हमको एफ एक्स की वैल्यू दी हुई है, एफ ऑफ ए प्लस एच एंड अप टू एफ ऑफ ए प्लस एन एच। अब इन x की वैल्यूज़ में किसी भी दो वैल्यू के बीच की वैल्यू को निकालनी हो जो कि हमें एफ एक्स की मालूम करनी है, तो उस वैल्यू को निकालने की विधि को हम अंतर्वेशन की विधि कहते हैं। इसमें क्या है, अगर एक्स की जो एक वैल्यू दी हुई हैं उसके अगर बाहर से निकालना हो तो हम उसके बहिर्वेशन कहते हैं, लेकिन जो वैल्यू एक्स की दी हुई है ए से लेके ए प्लस एन एच तक, उसके बीच में से उसके कॉरस्पॉन्डिंग को एफ एक्स की वैल्यू निकालनी हो तो उस विधि को हम अंतर्वेशन विधि कहते हैं। अब इस विधि में मैं आपको फॉरवर्ड इंटरपोलेशन पढ़ाऊंगी। फॉरवर्ड इंटरपोलेशन में अग्रांतर को हम अग्रांतर अंतर्वेशन भी कहते हैं। अग्र अंतर्वेशन के लिए न्यूटन ग्रेगोरी सूत्र, एक वैज्ञानिक थे न्यूटन ग्रेगोरी, जिन्होंने कि ये फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला बनाया। इस फॉर्मूले से हम आसानी से एक्स की दी हुई वैल्यू के बीच में से जो एफ एक्स की वैल्यू मालूम करनी है वो हम निकाल सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या है, पी एन एक्स इक्वल टू, पी एन क्या है, पोलिनोमियल है एन डिग्री का, इज इक्वल टू एफ एक्स, इसे हम फंक्शन ऑफ एक्स भी बोलते हैं, इज इक्वल टू एफ ऑफ ए प्लस डेल्टा एफ ए अपॉन एच इंटू एक्स माइनस ए प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल थ्री एच क्यूब इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस टू एच प्लस एंड सो ऑन। इस तरह से हम लिखते चले जाएं तो डेल्टा एन, एनथ टर्म कौन सी आएगी, डेल्टा एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच एन एक्स माइनस ए माइनस एच अप टू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच। तो ये हमारा एक न्यूटन ग्रेगोरी का फॉर्मूला है जिसको यूज़ करके हम एक्स के कॉरस्पॉन्डिंग एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब इसके लिए हम इसका प्रूफ करेंगे। तो मान लेते हैं कि वाई इज इक्वल टू एफ एक्स एक फंक्शन है जिसमें कि हमारा एक्स क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और समान अंतराल के लिए एन प्लस वन पद हम ले लें। तो पहला पद एच है इसलिए लास्ट पद एन एच आएगा, सॉरी पहला पद ए है क्योंकि इसमें एच नहीं है तो लास्ट पद एन एच आएगा एन प्लस वन मानों के लिए। तो एक्स इक्वल टू ए ए प्लस एच ए प्लस टू एच अप टू ए प्लस एन एच। तो एफ एक्स का एक्स के संगत मान एफ ए एफ ए प्लस एच एफ ए प्लस टू एच एफ ए प्लस एन एच ये ले लेंगे हम। इसी के साथ हमने ये भी माना कि एफ एक्स को हम पी एन एक्स से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो पी एन एक्स क्या है, एन डिग्री का पॉलिनोमियल है जिसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। जब हम प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम एन डिग्री का पॉलिनोमियल लेंगे जो कि कुछ इस तरह से होगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि एन डिग्री का पॉलिनोमियल है तो इस एन डिग्री के पॉलिनोमियल में पी एन एक्स इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन इंटू एक्स माइनस ए प्लस ए टू इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच प्लस ए थ्री इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस टू एच प्लस अप टू ए एन एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच। अब यहाँ पर हमने एन माइनस वन क्यों लिया है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक्स वन में ए ज़ीरो में कोई भी ए भी नहीं है एच भी नहीं है, यहाँ पर जहाँ यहाँ वन लिखा है तो यहाँ एच नहीं है, यहाँ टू लिखा है तो एक सिंगल एच है, थ्री लिखा है तो यहाँ पर टू एच तक है लास्ट में, तो इसीलिए ए एन का जो लास्ट आएगा वो एन में से एक माइनस वन हो जाएगा तो एन माइनस वन इंटू एच। यहाँ पर ए ज़ीरो ए वन ए टू ए एन ये सारे कॉन्स्टेंट्स हैं और इनको हम अगर हम एक्स बराबर ए रख दें तो पी एन ए बराबर हो जाता है एफ ए, पी एन ए प्लस एच बराबर एफ ए
प्लस एच, इसी तरह से पी एन ए प्लस एन एच इक्वल टू एफ ए प्लस एन एच हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर हमने टू ले ली। अब हम इक्वेशन नंबर जो हमारी फर्स्ट है, ये वाली जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये जो इक्वेशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसमें अगर हम x बराबर a सब्सटीट्यूट कर दें तो देखिए x बराबर जब आप a सब्सटीट्यूट करेंगे तो यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो आ जाएगा, यहाँ भी ज़ीरो, सब में ज़ीरो आ जाएगा, केवल कौन सी टर्म्स बचेगी, a ज़ीरो। तो हमारे पास f a बराबर कितना हुआ, a ज़ीरो। तो इसका दैट इम्प्लाइज जो हमें कांस्टेंट निकालना था a ज़ीरो, वो हो गया f a के बराबर। इसी तरह से जब हम x बराबर, इसी तरह से जब हम x बराबर a प्लस h रखें तो हम जो इन इक्वेशन नंबर वन, तो हम की जब उसमें रखेंगे a प्लस वन रखेंगे, f a प्लस h रखेंगे, जब हम इसमें इस इक्वेशन नंबर वन में a प्लस h रखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, a ज़ीरो प्लस a प्लस h माइनस a प्लस a प्लस h माइनस a प्लस h माइनस ए माइनस एच। तो ये वाली जो आगे की ए टू की टर्म्स है, ये सारी की सारी टर्म्स ज़ीरो हो जाएंगी। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए प्लस एच रखने पर हमारे पास आएगा ए ज़ीरो प्लस एच इंटू ए वन। अब हम इस एच ए वन को इधर ले गए तो यहाँ पर एफ ए प्लस एच, तो यहाँ पर हम एफ सॉरी तो हम यहाँ पर इस दैट इम्प्लाइज हमारे पास क्या हुआ, एच ए वन इक्वल टू क्या हुआ, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ ए ज़ीरो। अब यहाँ पर इस एच को हमने इधर डिवाइड कर दिया तो ए वन इक्वल टू क्या हुआ, एफ ए प्लस एच माइनस ए ज़ीरो अपॉन एच, और ए ज़ीरो यहाँ से रख दिया हमने इसमें से, ये एफ ए, तो एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, मैंने आपको फॉरवर्ड डिफरेंस की डेफिनेशन बताई थी, विच इज़ इक्वल टू डेल्टा एफ ए, और नीचे एच आ जाएगा इसका। तो ये हमारे पास ए वन इक्वल टू क्या हो गया, डेल्टा एफ ए अपॉन फैक्टोरियल वन इंटू एच। इसी तरह से जब हम पुट एक्स इक्वल टू ए प्लस टू एच इन इक्वेशन नंबर वन, जब हम इक्वेशन वन में x बराबर a प्लस टू एच रखेंगे तो f a प्लस टू एच इक्वल टू आ जाएगा a ज़ीरो प्लस ट्वाइस एच ए वन प्लस ट्वाइस एच इन टू एच ए टू। फिर हमने ट्वाइस एच स्क्वायर ये a टू ये एक तरफ ले गए और ये वाली टर्म इधर ले गए, तो ये हो गया f a प्लस टू एच माइनस ट्वाइस एच ए वन माइनस a ज़ीरो, और एफ ए प्लस टू एच माइनस, अब हमने ए वन की डेफिनेशन यहाँ पर लिख दी, ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए, ये हमने कौन सी डेफिनेशन लिखी, ए वन की। तो ए वन की डेफिनेशन क्या है, डेल्टा एफ ए अपॉन एच, तो यहाँ पर एच पहले से लिखा है तो एच को हमने, ये यहाँ पर एच आएगा यहाँ पर और यहाँ पर एच आ जाएगा, तो ये एच से ये एच कैंसिल हो जाएगा, तो ट्वाइस ऑफ एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए आ जाएगा, माइनस ए जीरो इक्वल टू आ गया एफ ए। इसको हमने सिंप्लीफाई किया तो ये आया हमारे पास में एफ ए प्लस टू एच माइनस एफ ट्वाइस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए, और फॉरवर्ड डिफरेंस में ये होता है डेल्टा स्क्वायर एफ ए के बराबर। दैट इम्प्लाइज ए टू इज इक्वल टू कितना हुआ, डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन टू एच स्क्वायर, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर। इसी तरह से हम और आगे लिखते चले जाएं तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर एक्स बराबर, हम यहाँ पर एक्स बराबर ए प्लस थ्री एच रखें इन इक्वेशन नंबर वन में, तो हमारे पास ये आ जाएगा एफ ए प्लस थ्री एच इक्वल टू ए ज़ीरो प्लस ए वन इंटू थ्री एच प्लस ए टू इंटू थ्री एच इंटू टू एच प्लस ए थ्री इंटू थ्री एच इंटू टू एच इंटू एच।
सिंप्लीफाई करेंगे ए ज़ीरो प्लस थ्री एच ए वन प्लस सिक्स एच स्क्वायर ए टू प्लस सिक्स एच क्यूब ए थ्री। ए थ्री हमको फाइंड आउट करनी है तो ए थ्री के अलावा बाकी सब टर्म्स को एक तरफ ले जाएंगे। तो सिक्स एच क्यूब ए थ्री इक्वल टू एफ ए प्लस थ्री एच माइनस सिक्स एच स्क्वायर ए टू माइनस थ्री एच ए वन माइनस ए ज़ीरो इज इक्वल टू एफ ए प्लस थ्री एच माइनस सिक्स एच स्क्वायर ए टू की वैल्यू रख दी हमने, एफ ए प्लस टू एच माइनस ट्वाइस एफ ए प्लस एच प्लस एफ ए अभी हमने पहले निकाली थी अपॉन टू एच स्क्वायर माइनस थ्री एच फिर ए वन की लिख दी एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए अपॉन एच माइनस एफ ए जीरो की लिख दिया एफ ए। इन सब को अगर अपन ने सिंप्लीफाई किया तो ये सब क्या आ जाएंगी एफ ए प्लस थ्री एच माइनस थ्राइस एफ ए प्लस टू एच प्लस थ्री एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए और ये हमारा होता है डेल्टा क्यूब एफ ए के बराबर। दैट इम्प्लाइज ए थ्री इक्वल टू क्या हुआ डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन सिक्स एच स्क्वायर और सिक्स को हम क्या लिख सकते हैं फैक्टोरियल थ्री। तो ये ए थ्री बराबर हुआ डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल थ्री एच स्क्वायर। इसी तरह से हम और लिखते चले जाएंगे जब हम एन तक पहुँचेंगे तो ए एन इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा डेल्टा एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन इन टू एच की पावर एन। अब इन सब ए ज़ीरो ए वन ए टू ए एन के मान को हम इक्वेशन नंबर वन में रखेंगे तो हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन थी न्यूटन गैलरी का फॉर्मूला था वो आ जाएगा विच इज़ पी एन एक्स इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ए प्लस डेल्टा एफ ए अपॉन एच। यहाँ पर फैक्टोरियल वन और लिख लेंगे हम अपॉन फैक्टोरियल वन और लिख लेंगे इंटू एक्स माइनस वन प्लस डेल्टा स्क्वायर एफ ए फैक्टोरियल टू एच स्क्वायर एक्स माइनस ए एक्स माइनस एच प्लस डेल्टा क्यूब एफ ए अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू एच क्यूब इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच इंटू एक्स माइनस ए माइनस टू एच प्लस एंड सो ऑन। इसी तरह से डेल्टा एन एफ ए अपॉन फैक्टोरियल एन एच की पावर एन इंटू एक्स माइनस ए इंटू एक्स माइनस ए माइनस एच अप टू एक्स माइनस ए माइनस एन माइनस वन इंटू एच। अतः इस सूत्र को हम न्यूटन ग्रेगोरी का अग्र अंतर्वेशन सूत्र कहते हैं। अब इस न्यूटन ग्रेगोरी के अग्र अंतर्वेशन सूत्र के और भी फॉर्मूले हैं। अगर हम u बराबर एक्स माइनस ए अपॉन एच रख दें उस सूत्र में, इसका मतलब x की जगह हम a प्लस एच यू रख दें तो हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो पी एन ए प्लस एच यू हो जाएगा x की जगह इज इक्वल टू एफ ए प्लस यू डेल्टा एफ ए प्लस यू इंटू यू माइनस वन डेल्टा स्क्वायर एफ ए अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यू इंटू यू माइनस वन सॉरी यहाँ पर वन आएगा इंटू यू माइनस इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू अपॉन फैक्टोरियल थ्री डेल्टा क्यूब एफ ए प्लस प्लस डैश डैश प्लस यू इंटू यू माइनस वन यू माइनस टू अप टू यू माइनस एन माइनस वन मतलब एन प्लस वन अपॉन फैक्टोरियल एन डेल्टा एन एफ ए। ठीक है, तो इसी तरह से हम और भी सब्सटीट्यूशन करें तो एफ ए प्लस एच यू इज इक्वल टू पी एन एच यू। अब हम यू को u की पावर वन फैक्टोरियल कर सकते हैं, u इंटू यू माइनस वन को u की पावर टू फैक्टोरियल कर सकते हैं, ऐसे ही u u माइनस वन u माइनस टू को हम u की पावर थ्री फैक्टोरियल कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने ये फॉर्मूले को एक शॉर्ट रूप में बना दिया है। तो इन जनरल हम न्यूटन ग्रेगोरी के अग्र अंतर्वेशन के यही सूत्र लिखते हैं और इसी सूत्र में यदि h बराबर वन और a बराबर ज़ीरो हो तो x बराबर हम u लिख सकते हैं। तो न्यूटन ग्रेगोरी का जो फॉर्मूले का तीसरा रूप है वो होता है पी एन एक्स इक्वल टू एफ ज़ीरो प्लस एक्स सी वन डेल्टा एफ ज़ीरो प्लस एक्स सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ज़ीरो प्लस प्लस एंड सो ऑन एक्स सी एन डेल्टा एन एफ ज़ीरो। तो इस सूत्र को हम न्यूटन ग्रेगोरी अग्रगामी अंतर्वेशन सूत्र कहते हैं। तो इस तरह से मैंने आपको ये पूरा टॉपिक पढ़ाया। अब मैं इसके आपको दो सवाल कराऊंगी।